करेंगे मुरैना की, जहां लेपा गांव हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों की महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये जो वीडियो जारी हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदूक लाते हुए ये महिला दिख रही है, और अब इस सहयोगी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 6 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन एक सहयोगी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीनी विवाद यहां पर हुआ था, और जिसके चलते ये विवाद इतना बढ़ा था कि ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। 6 लोगों की मौत हुई थी इस हत्याकांड के चलते, और एक महिला सहयोगी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लेपा गांव हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जो सहयोगी महिला थी जिसको हम वीडियो में देख सकते हैं, उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी के जो फरार आरोपी है जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, कहां तक कार्रवाई आगे पहुंची और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, जो हत्याकांड है उसमें जो पुलिस को सफलता मिली है, और आज तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है, और ये जो महिला है पुष्पा, इसको इटावा से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो सभी आरोपी हैं उनकी लोकेशन भिंड और इटावा बताई जा रही है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर लगातार पुलिस दबिश दे रही है। मुरैना की पुलिस भी रवाना हुई है, कल से वहां पर है, और उसके अलावा भिंड के थानों की पुलिस पहुंची है, इटावा की पुलिस पहुंची है। तो लगातार पुलिस का दावा है कि जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी 6 आरोपी अभी शेष हैं गिरफ्तारी करने को, वो मौके से फरार हैं, और उसके साथ ही जो भिंड पुलिस है और इटावा पुलिस है, इनके जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ दबिश दे रही है, और जो फरार हैं उन पर तब तक 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। अब जो इस पूरे जो मामले में पुलिस को सफलता मिली है, और 3 आरोपी अभी तक कुल हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये जो पुष्पा महिला गिरफ्तार हुई है, ये हथियार जो आरोपी है उनको हथियार घर से लेकर दे रही थी, और ये वीडियो में साफ तौर पर दिख रही है, अभी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जी जी उमेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए